क्लास नाइन्थ, वेरी शॉर्ट आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जियो जियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला है नेम द हेमिस्फेयर इन विच इंडिया लाइज। तो इंडिया किस हेमिस्फेयर में लाइज करता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वट इज द लैटिट्यूड ऑफ साउथ मोस्ट टिप ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो मेन लैंड लैंड है उसमें से जो साउथ वाला पार्ट है, जैसे हमारा इंडिया दो पार्ट में बट जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। साउथ वाले पार्ट में कौन सा जो मेन लैंड है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम बताना है। व्हाट इज द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसकी क्या वैल्यू है, लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है उसकी क्या वैल्यू है। नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में हमारे कौन कौन से आइलैंड है उसके बारे में बताना है। नेम द स्टेट ऑन द एक्सट्रीम नॉर्दर्न टिप ऑफ इंडिया। इंडिया के कौन सी वो स्टेट है जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न टिप ऑफ इंडिया, तो सबसे हमारे जो भारत है, भारत का सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें कौन सी स्टेट आती है, तो उसका नाम बताना है। तो आगे मैं लिखवा रहा हूँ आपको और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मिडल ऑफ माइटेबिलिटी एंड मिडल ऑफ इंडिया, मिडल ऑफ इंडिया। तो कौन सा लैटिट्यूड है जो पास करता है हमारे इंडिया के मिडल में से पास होता है, तो उस लैटिट्यूड का हमने नाम लिखना है। तो एट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन कॉल्ड, पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन कॉल्ड। ये एट क्वेश्चन थे। नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम द स्टेट नेम दिस स्टेट नेम द स्टेट अलोंग अलोंग द वेस्टर्न वेस्टर्न
cost of India? Tenth, name the seven state called the seven sisters. Name the seven state, seven states called the sisters. Eleventh question. Which state have a common boundary, with Pakistan. Common boundary with Pakistan. Which state have a common boundary with Pakistan? Eighth question, 12th question हम राइट कर रहे हैं, सेवन्थ और एट्थ में रब कर रहा हूँ. Name the country. Name the country. Countries which are bigger than India, एरिया. एरिया के हिसाब से दूसरी और कौन सी कंट्री है जो इंडिया से बड़ी है, तो इसका हमने आंसर देना है. तो इंडिया से बड़ी कंट्रीज के नाम लिखने हैं. 13th क्वेश्चन, name the state, name the state along the tropic of cancer India, along the tropic of cancer in India.
क्वेश्चन, वेयर डू दी थ्री सीज मीट इन इंडिया, मीट इन इंडिया नेम फिफ्टींथ क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया? 16 क्वेश्चन, नेम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया की नेबरेज कंट्री कौन सी है, हमारे मुल्क के पड़ोसी देश कौन से हैं, इसके बारे में हमने बताना है। तो पड़ोसी देश के नाम लिखने हैं। तो ये मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आए थे, वो मैंने स्टूडेंट मेंशन कर दिए हैं। तो आप इसको राइट डाउन कर लोगे, अच्छी तरह पढ़ लोगे, एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम को अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर कौन कौन से जो लास्ट एग्ज़ाम में जो अटैम्प्ट हुए थे एग्ज़ाम में पिछले लास्ट ईयर में और उससे पिछले लास्ट ईयर में, तो वो आपको बता रहा हूँ लिख के ब्लैक बोर्ड पे, आप नोट डाउन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल इम्प्लीकेशन
ऑफ लॉन्गी टूडिनल टूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंट ऑफ इंडिया। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इंडिया थ्रू इंडिया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ व्हाट इज द व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजिक चिक स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस 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 ऑफ इंडिया। फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन इज why has India why has India selected selected 82 degree 1.5 East East longitude 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 as the standard meridian
तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हमारा शॉर्ट आंसर में, फिर आपको लॉन्ग आंसर लिखवाए जाएंगे। तो पहले शॉर्ट आंसर आप यहाँ ये वाले नोट कर लो, फिर उसके बाद में आपको लॉन्ग आंसर भी राइट करवा रहा हूँ। तो ये इस एग्ज़ाम में आपने बहुत बड़े ध्यान से ये क्वेश्चंस और उसके आंसर पढ़ लेने हैं, और जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसके बाद आपने उसका आंसर देना है। तो लास्ट हमारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ। आई होप आपने ये फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांस इंडियन ओशन रूट? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांस इंडियन ओशन रूट? ओशन रूट फॉर इंडिया, फॉर इंडिया। ये थे हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सिक्स क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हैं। तो इससे पहले हमने वारे शॉर्ट आंसर लिखवा दिए थे आपको, और अभी नेक्स्ट हम लिखवा रहे हैं थर्ड पार्ट में लॉन्ग आंसर। तो आपको बड़े ध्यान से इनको स्टूडेंट को क्वेश्चन विद आंसर इसको पढ़ लेना है। लॉन्ग क्वेश्चन ओनली, आंसर आपने खुद फाइंड करने हैं। तो मैं आपको लॉन्ग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ, तो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेने हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया इस साइज एंड लोकेशन के। तो चले चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इंडिया विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 हैव ओनली वन टाइम जोन? तो इंडिया का एक्सटेंट 30 डिग्री है, तो फिर इंडिया का टाइम जोन एक ही क्यों है, इसके बारे में हमने लिखना है। सेकंड है हमारा, व्हाई डज इंडिया नीड स्टैंडर्ड मेरिडियन 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 व्हाट आर इट इज एम्प्लीकेशन? व्हाट आर इट्स
इम्प्लीकेशंस, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस। सेकंड है डिस्क्राइब द, थर्ड क्वेश्चन डिस्क्राइब द लैंड एंड वाटर फ्रंटियर ऑफ इंडिया। लैंड में तो हमारे पास आ जाएगा जो हमारे पंजाब स्टेट है, गुजरात, राजस्थान लग रहा है, पाकिस्तान से, तो ये लैंड में आ जाएगा। वाटर का फ्रंटियर आपने बताना है कौन सा है, तो फ्रंटियर के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि फ्रंटियर में वो क्या पूछ रहा है। उन्होंने लैंड एंड वाटर के बारे में पूछा है, तो आपने लैंड एंड वाटर के बारे में ही बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन ओशन, ऑफ इंडियन इंडियन ओशन फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए इंडियन ओशन की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हमने बात करनी है। तो जिसने भी मैप बड़े अच्छे तरीके से किया है वो इसको कर सकते हैं कि कहाँ पे इंडियन ओशन है, तो उसके बारे में बताना है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन हमारा है, फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये सब अपनी नोटबुक पे नोट कर लिया होगा। तो आगे चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ, फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये आपने फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लेना है। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो पॉलिटिकल डिवीजन जो हुई है इंडिया की, उसके क्या क्या मेन फीचर्स है, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये हमारे फिफ्थ जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कर लेने हैं। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग EH मोगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लो। थैंक यू वेरी मच। EH मोगा।